साथ चार बच्चों की मौत का सनसनीखेज मामला मेडिकल कॉलेज शहडोल से सामने आया है, जहां एक साथ चार बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। मामला शहडोल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां बीते 12 घंटे में चार बच्चों की मौत हो गई है। शहडोल संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 घंटे के अंदर ही चार बच्चों की मौत हो गई। इन सभी बच्चों की मेडिकल कॉलेज में गंभीर अवस्था में उपचार के दौरान मौत हुई। बच्चे मेडिकल कॉलेज के PICU में भर्ती थे। अचानक बच्चों की मौत से परिजनों में रोष है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बच्चों की मौत के मामले को छुपाने का प्रयास मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। बताया जाता है कि गंभीर बीमारी के चलते इलाज के दौरान बच्चों की मौत हुई है, लेकिन परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। हाँ, हमारे अस्पताल में चार बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें से एक SNCU में एक बच्चा था जो कि धनपुरी से आया हुआ था, 16 दिन का था, रिफर्ड था, जिसको कार्डियक डिजीज भी थी और साथ में रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको बोलते हैं सांस की बीमारी भी उसके कारण थी, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आया हुआ था। वो एक या दो दिन में ही वो उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी तीन बच्चे जो थे PICU में एडमिट थे। PICU में जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे हम लोग एडमिट करते हैं, और तीनों ही बच्चे काफ़ी सीरियस कंडीशन में आए हुए थे, जिसमें से एक दो साल की बच्ची है जो कि उमरिया करेल ककेली वहाँ से आई हुई थी, जो कि काफ़ी उसको मेनिंजाइटिस था, दिमागी बुखार और रेस्पिरेटरी डिजीज था, साथ में उसको सेप्टिसेमिक शॉक हम लोग बोलते हैं जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है, उस कंडीशन में थी बच्ची। और एक 4 महीने की बच्ची थी जो कि छत्तीसगढ़ भरतपुर से आई हुई थी, वो भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, मेनिंजाइटिस था, दिमागी बुखार, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थी काफ़ी बच्ची, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था, अंततः हम लोग कोशिश करने के बावजूद भी उसको नहीं बचा पाए। और एक बच्चा और था 3 साल का जो जैतपुर वहाँ से आया हुआ था, जिसको कि जिला अस्पताल अनूपपुर से उसको रिफ़र किया गया था, काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब थी, बेहोशी की अवस्था में हमारे अस्पताल में आया हुआ था, और जो कि एक्यूट इनकेफेलोपैथी बोलते हैं, जो दिमागी हाइपोक्सिया भी उसको बोल सकते हैं आप, और उसको कंजेनाइटल डायबिटीज कह सकते हैं, उसके पेशाब वगैरह भी नहीं बन रहे थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था बच्चा, और एक या दो दिन में मेरे ख्याल से काफी हम लोग ने कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।